ओके, फ्री फायर में लोडआउट सीएस एंड पीआर दोनों में अलग अलग तरीके से काम करता है। लोडआउट तो एक ही होता है लेकिन काम अलग अलग तरीके से करता है। तो पीआर में लोडआउट कैसे काम करता है आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देन वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पे टाइप किया है देन कुछ नया सीख के जाओगे। ओके, सबसे पहला लोड आउट है आर्मर क्रेट। देखो, आप आर्मर क्रेट को लेके जाओगे ना तो आप जैसे ही लैंडिंग करोगे ना आपके पास वेस्ट हेलमेट 200 कॉइन एड 2 रिपेयर किट आ जाएगा। लाइक स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैं आर्मर क्रेट को लेके आया ना, तो यहाँ पे देखो वेस्ट हेलमेट 200 कॉइन एंड रिपेयर किट आ गया ना। तो इस तरीके से काम करता है आर्मर क्रेट। ओके, दूसरा लोड आउट है सप्लाई क्रेट। देखो, आप सप्लाई क्रेट को लेके जाओगे ना तो आप मर जाओगे, उस टाइम आपका टीममेट आपको रिवाइव देगा ना, तो उस टाइम जब भी आप लैंडिंग करोगे ना तो आपके पास थैम्सन वेस्ट हेलमेट एंड 200 कॉइन वगैरह आ जाएगा। लाइक स्क्रीन पे देखो इस तरीके से। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लैंडिंग करोगे ना, लाइक आप एरोप्लेन से कूदते हो ना स्टार्टिंग में, उस टाइम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका टीममेट आपको रिवाइव देगा ना उस टाइम आपको ये सारे आइटम मिलेगा। तो सप्लाई क्रेट इस तरीके से काम करता है। ओके, नेक्स्ट लोड आउट है लेग पॉकेट। देखो, लेग पॉकेट को आप लेके जाओगे ना तो आप जब भी लैंडिंग करोगे ना तो आपके पास 3 लेवल का बैकपैक आ जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे पास 3 लेवल का बैकपैक आ गया ना। तो इस तरीके से काम करता है लेग पॉकेट। और हाँ, लेग पॉकेट बैकपैक की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। नॉर्मली से ज्यादा एमओ एंड मेडिकिट एंड वॉल वगैरह आएगा आपके बैकपैक के अंदर जब भी आप लेग पॉकेट को लेके जाओगे ना। उस टाइम आपको 3 लेवल का बैकपैक तो मिलेगा ही, साथ ही में बैकपैक का कैपेसिटी भी बढ़ा देता है लेग पॉकेट। तो इस तरीके से काम करता है लेग पॉकेट। ओके, नेक्स्ट लोड आउट है स्कैन। देखो, आप स्कैन को लेके जाओगे ना तो अब तो पहले से ही ऑटोमेटिकली स्कैन आ जाता है ना। पहले हम स्कैन को लेके जाते थे ना तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एनिमी का लोकेशन दिखाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप स्कैन को लेके जाओगे ना तो आप जैसे लैंडिंग करोगे देन आपके पास एक यूएवी आ जाएगा एंड उस यूएवी को आप जब चाहो तब यूज कर सकते हो। लाइक स्क्रीन पे देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से काम करता है स्कैन। ओके, नेक्स्ट लोड आउट है बोनफायर। देखो, आप बोनफायर को लेके जाओगे ना तो आपके पास 2 बोनफायर आ जाएगा यहाँ पे देखो इस तरीके से एंड ये 2 बोनफायर को आप जब चाहो तब यूज कर सकते हो। इन 2 बोनफायर से आपका एचपी एंड ईपी दोनों रिकवर होगा। 1 सेकंड में 10 एचपी एंड 10 ईपी रिकवर करता है ये बोनफायर। तो इस तरीके से काम करता है बोनफायर। ओके, नेक्स्ट लोड आउट है सुमून एड्रोप। देखो, आप सुमून एड्रोप को लेके जाओगे ना तो शुरुआत के टाइम पे आपके पास एड्रोप तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आप एड्रोप को मंगवा नहीं पाओगे। एड्रोप का 600 सेकंड का चार्जिंग टाइम है यहाँ पे देखो, यानी कि 10 मिनट आप लैंडिंग करोगे ना उसके बाद 10 मिनट के बाद आप एड्रोप मंगवा सकते हो। लाइक स्क्रीन पे देखो इस तरीके से। एंड आपको एड्रोप के अंदर से आइटम कैसा मिलेगा, तो आइटम के अंदर आपको अपग्रेड वाला वेपन मिलेगा, उसमें भी आपको 3 लेवल कम्प्लीट मिलेगा यानी कि 3 चीप वाला वेपन मिलेगा। उसके साथ आपको वेस्ट हेलमेट एंड और भी आइटम मिलेगा। तो इस तरीके से काम करता है सुमून एड्रोप। ओके, नेक्स्ट लोड आउट है सीक्रेट क्लू। देखो, आप सीक्रेट क्लू को लेके जाओगे ना तो जब भी आप एरोप्लेन में होगे देन यहाँ पे मैप पे आपको सीक्रेट क्लू का मार्क देखने को मिलेगा देखो इस तरीके से। एंड आप वहाँ पे उतर के उस बॉक्स को अनबॉक्स करोगे ना तो उसके अंदर से आपको 3 ग्लूअल 600 कॉइन मिलेंगे एंड लॉन्च पेड एंड वगैरह आइटम देखने को मिलेगा। एंड आप जैसे ये सारे के सारे आइटम ले लोगे ना तो फिर से यहाँ पे लास्ट में आपको सीक्रेट क्लू लेने का ऑप्शन आएगा। एंड जैसे ही आप यहाँ से सीक्रेट क्लू को लोगे ना तो यहाँ पे मैप पे आपको फिर से एक सीक्रेट क्लू का ऑप्शन शो होगा देखो इस तरीके से। एंड वहाँ पे आप जाओगे ना व्हीकल लेके या फिर किसी तरीके से वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ से फिर से आपको आइटम मिलेंगे एंड आइटम के साथ ही साथ फिर से आपको सीक्रेट क्लू मिलेगा लास्ट में देखो इस तरीके से। एंड फिर से आप यहाँ से सीक्रेट क्लू को ले लोगे ना तो फिर से आपको सीक्रेट क्लू मैप के अंदर कहीं भी शो होगा, बाद में आपको सीक्रेट क्लू जोन में भी शो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट लोड आउट है बाउंटी टोकन। देखो, आप बाउंटी को लेके जाओगे ना तो जब भी आप पहला किल करोगे ना तो उसके अंदर से आपको एक्स्ट्रा लूट मिलेगा ये बाउंटी टोकन की मदद से। 400 कॉइन मिलेगा एंड अटैचमेंट मिलेगा एंड अपग्रेड वाला वेपन भी मिलेगा, लेकिन लेवल 1 का मिलेगा यानी कि एक चिप लगा हुआ वेपन मिलेगा। जहाँ पे एयरड्रॉप में आपको 3 चिप लगाया हुआ वेपन मिलता है वहाँ पे बाउंटी टोकन के अंदर से आपको एक चिप वाला वेपन मिलेगा। तो इस तरीके से काम करता है बाउंटी टोकन। ओके, तो इस तरीके से काम करते हैं लूट आउट बीआर रैंक। आपको कौन से लूड आउट के बारे में पता नहीं था और अब पता चला मुझे कमेंट में जरूर से बताना। सो चलो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चलो गाइज, बाय बाय।